First of some of the students, I am going to solve question number 3, exercise 1B. And also I am so happy that some of the students are asking the question, that question they are cannot understand very well. So now I am going to teach you question number 3, so try to understand if someone cannot understand very well. So question number 3 is that y is directly proportional to x power n. Means y is directly proportional, means ये हमारा direct proportion है, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, तो हमारी जो equation draw होगी वो ये है कि y is directly proportional to x power n, इसको हम हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा k, यहाँ पे k हम आपको पता है कि k कोई भी constant है, k का value हम तब find करते हैं जब हमें x का value भी given हो, y का भी given हो, यहाँ पे k का value constant है, कोई भी use हो सकता है question में, हमारा जो actual सवाल है वो हमें find करना है कि n का value क्या है, so पहला सवाल ये है कि y meter, ये m square is known as a meter, y meter square is the area of square, square आपको पता है कि a quadrilateral figure whose all sides are equal in length and every angle is a 90 degree, so that is the figure of square you can see here and all sides are equal, here he says that length of square is x meter, अगर ये x meter है तो ये भी x meter होगी, तो आपको पता है कि area of square का formula क्या है, area of square का formula है side into side, so x into x, x square, तो सवाल हमारा ये था कि पहले पार्ट में हमारा जो y square है वो x square की area के equal है, अब y square जो है वो equal हो गया हमारा x square, यहाँ पे देखें y is equal to x square, क्योंकि हमारी जो area of square बनी है वो x square बनी है, तो हम क्या करेंगे y की जगह पे x square रखेंगे, let you can see here x square, यहाँ पे x power n है, जब भी ये दोनों bases same होते हैं तो ये आप इसमें कट जाते हैं, तो x x के साथ cancel हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो ये n का value जो है वो 2 है, हमारा actual question यही है कि n का value क्या है वो हम find करेंगे, k यहाँ पे कोई भी constant है जो हमें use नहीं किया हुआ, कोई भी constant हो सकता है और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है कि आप ये वाला value हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई मसला नहीं, हमारा जो actual है कि n का value क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से आप दूसरा question का part देखें, y centimeter cube is the volume of cube, अब आप वॉल्यूम उस फिगर का होता है जो 3 डायमेंशन फिगर होती है, आप ये देख रहे हैं कि ये एक 3 डायमेंशन फिगर है, इसकी ये एक साइड ये है, एक साइड आप देख लें ये है और एक साइड जो है ये है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको आप ऐसे भी बनाते हैं, देख लेट सपोज ये एक है और यहाँ पे भी मैंने ऐसे बना दी, तो ये हमारी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर का हम एरिया फाइंड करते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो दूसरा बोल रहा है कि वॉल्यूम हो, अब जाहिर बात है कि 3 डायमेंशनल फिगर है उसमें उसके क्या होंगे कि तीनों साइड्स जो हैं वो एक्स हैं, लेट सपोज ये हमारी लेंथ भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब जिसको आपने सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये y की जगह पे आपने क्या पुट करना है, y is equal to x cube, स्क्वायर था तो हमने y की जगह पे क्या रखा, x square, अब ये हमारा क्यूब है तो y की जगह पे x cube रखेंगे, तो हम क्या करेंगे जहां पे y है वहां पे हम x cube रखेंगे, तो x cube और ये x power n है, k मैंने पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट है, यहाँ पे k का वैल्यू कोई भी हो सकता है जो हमें फाइंड करना जरूरी नहीं है और क्वेश्चन में इसकी जरूरत भी नहीं, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये है n का वैल्यू पता, तो x क्यूब और ये भी आपका जो है x क्यूब जो है और x x के साथ कट गया, n का वैल्यू क्या बचा हमारा 3, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में जो है n का वैल्यू 2 है और इसमें हमारा 3 है, आप कोशिश करना कि यहाँ पे k की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बाकी हमारा सवाल में यही बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ